लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरबेली चौकी से लगे टैमनी टांडा नदी के पास मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के घायल होने की आशंका जताई गई है। वहीं हाफ फोर्स की टीम ने जंगल से एक भरमार बंदूक और नक्सलियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की है। घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा जंगल में भागे नक्सलियों को खोजने के लिए सर्किट की जा रही है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन निकाला गया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ से, बालाघाट जिला और राजनांदगांव जिले की, उसमें टीम थी, अपना हॉफ फोर्स था और एक जो अपना मलेरा ज्वाइंट कैंप है वहाँ से भी अपना ग्रुप था। कुल मिलाकर करीब 100 से 125 इसमें जवान हमने शिरकत कर रहे थे। और आज सुबह हम लोग सूचना प्राप्त हुई कि अपना जो टेमनी चौकी है लाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें जब हमारी पार्टी सर्चिंग कर रही थी तो एक और जन के ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। वहाँ से कुछ 3-4 नक्सली इन लोगों ने देखे हैं, जो कुछ अपना सामान भी छोड़ के गए हैं, उसमें उनका कुछ रोजमर्रा का सामान है, एक वेपन भी है जो हमारे नाम लगा है। और ऐसा लग रहा है कि वेपन छोड़ दिया है तो जो वेपन धारक होगा हो सकता है उम्मीद है कि उसको कुछ क्षति पहुँची हो। तो लगातार हमारी टीम उसमें दोबारा से ही नक्सल पार्टी की सर्चिंग तेज कर रही है। साथ ही साथ कुछ कटऑफ्स भी लगाए हुए हैं हम लोगों ने, 4 पार्टी और निकाले जिससे करीब 80 से 100 जवान हमारे और पढ़ा दिए गए क्षेत्र में, और जो भी उनके संभावित रास्ते निकल लेंगे।